नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो राजस्थान जीके की जो ये सीरीज है जिसमें हम आरपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट है, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं। आज का जो पेपर है इसमें सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसमें हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है, वृषभ की जो है तांबे की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, मिट्टी की चूड़ियां यहाँ पर प्राप्त हुई है, लेकिन हल जो है उसकी मिट्टी की प्रतिकृति यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। और कालीबंगा की जो जो सभ्यता है इसके लिए सर्वप्रथम खोज जो की गई थी वो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, ए घोष भी कहते हैं इनको, और उत्खनन जो है बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा 1961 से 1969 के बीच में किया गया था, और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पुरातत्व वेताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं है? तो बीबी लाल, आरसी अग्रवाल, ए के व्यास, एच डी साकलिया। तो अभी हमने बात की बीबी लाल और बी के थापर किससे संबंधित है, कालीबंगा से, आरसी अग्रवाल, ए के व्यास, एच डी साकलिया जो है आहार से संबंधित है, तो यहाँ पर कौन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बी लाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1954 में जो है आरसी अग्रवाल और उसके बाद 1961-62 में वी एन मिश्रा ने और एस टी साकलिया द्वारा जो है ये उत्खनन जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? विद्वान यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में इनकी कृति जो है वो बताई गई है। तो मंडन के द्वारा कृति जो है राजवल्लभ, विद्वान जो नाथा की कृति है यहाँ पर वास्तुमंजरी, विद्वान गोविंद ग्रंथ जो है द्वार दीपिका, और यहाँ पर विजय स्तंभ अभिलेख। वैसे अगर हम बात करें इसके जो है मंडन और जेता जो रहे हैं तो यहाँ पर जो दिया गया है कान्हा व्यास, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपको सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, खातोली 1517 की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था, डी ऑप्शन। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर गरुड़ कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है एसआई के लिए 18 सितंबर से शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो ये कोर्स है वो आपके राजस्थान के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये आपको करवाया जाएगा जो कि आपका शुरू हो रहा है 18 सितंबर से। इस कोर्स की जानकारी और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गरुड़ आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच एसआई के लिए 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, अपनी तैयारी के लिए बेहतरीन करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके टॉप एडुकेटर्स हैं राजस्थान जी की, राजस्थान एसआई के लिए है आरपीएससी, ज्वाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता हेतु राणा प्रताप से मिले थे? तो चूलिया स्थान पर। राव मालदेव के दो सेनानायक जो गिरी सुमेल में शेर शाह के विरुद्ध लड़े थे, तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है 1544 में लड़ा गया था, तो सेनानायक उनका क्या नाम था? जेता और कुंपा। जसवंत सिंह ने स्वयं एक कवि तथा विद्वान थे, कई ग्रंथ रचे, निम्नलिखित में से जसवंत द्वारा रचित ग्रंथों को पहचानिए। तो यहां पर भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, सभी जो चारों हैं वो जसवंत सिंह द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, चारों जो है जसवंत सिंह द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गया? तो दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे इसलिए, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर बंगाल और मनिहारी बिहार में किलों का निर्माण करवाया,
तो महाराजा मानसिंह प्रथम ने राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया था बांडोली में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था, तो यह था 28 मई 1857 को, और छावनी नसीराबाद। अगला प्रश्न जो है, समाचार पत्र हैं और संपादक हैं, इससे पहले का प्रश्न हमने स्किप किया है क्योंकि उसमें कुछ इश्यू था। तो यहाँ पर राजपूताना गजट है, राजस्थान समाचार, सर्वहित, लोकवाणी और संपादक यहाँ पर दिए गए हैं। तो राजपूताना गजट जो है मौलवी मुराद अली, राजस्थान समाचार मुंशी समर्थदान, सर्वहित जो है पंडित राम प्रताप, और लोकवाणी देवी शंकर तिवाड़ी। तो यहाँ पर इस तरह से कौन सा जो कोड बनता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा वर्षाय की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न है, मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौता जो हुआ 1741 में, किसने मध्यस्थता निभाई थी, सवाई जयसिंह ने, अर्जुनलाल सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित विद्यालय का नाम क्या था, तो वर्धमान, और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, 1905 में। जयपुर प्रजामंडल के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था, तो इनमें से हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी भी थे। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का उद्घाटन किया वल्लभ भाई पटेल ने। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावृत हैं, तो वह है बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र, मुक्त प्रदेश। डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है, तो डांग जो है पूर्वी मैदान का भाग है। अगला प्रश्न है, तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में जो है पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जैसलमेर और गंगानगर में जो है इनमें से पाए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जैसलमेर और गंगानगर। अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उनको लेकर के चार स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पर। तो पहला है, यह है प्रमुख जल विभाजक है, बिल्कुल सही है, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है, रावली से, तो बिल्कुल गलत है ये। और राजस्थान में वर्षा का वितरण से प्रभावित होता है, तो इसे पूर्णतः ये सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यह प्रदेश का धात्विक खनिजों के लिए समृद्ध है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर केवल ए और चौथा जो है डी यहाँ पर राइट होगा, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में से ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है, ए डब्ल्यू प्रकार की कहाँ पाई जाएगी, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, तो यहाँ पर जो है एकदम दक्षिणी की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़।
तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। तो इसमें राजपीएससी की इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को 25 प्रश्न इसमें किए हैं। तो इसका आपका जो भी स्कोर रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे पिछला वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज भी आप रेगुलर डेली बेसिस पर वीडियो मिल रही है उसको देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई क्वेरी हो तो भी आप बता सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर गरुड़ जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है एसआई के लिए वो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, उस लिंक के जरिए आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि आपका राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स द्वारा ये जो शुरू हो रहा है गरुड़ कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है एसआई के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।